केवल इंटरनल सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी की क्राइसिस भी इस देश में दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। लेकिन इस इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्राइसिस के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट के पास जैसा एक कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान चाहिए, आज तक यह गवर्नमेंट कोई ऐसा कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान नहीं बना पाई है। ये भारत के लिए, ये बिहार के लिए, क्योंकि बोधगया मंदिर है सिर्फ बिहार के लिए नहीं, भारत की एक बहुत बड़ी धरोहर है, पूरे दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। ये भारत के ऊपर और बिहार के ऊपर हमला है, क्योंकि पहले ही इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी कि बिहार के अंदर आतंक की घटना हो सकती है, और उस आतंक की घटना को जो इंटेलिजेंस ने आईबी की रिपोर्ट थी उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, और हम ये मानते हैं कि अभी भी बिहार सरकार को अलर्ट होना चाहिए। और इस तरह की, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर पर बसा हुआ बिहार है और उधर बर्मा के अंदर भी बहुत सारी घटना चल रही है, और बिहार में नक्सल और आतंक दोनों का बहुत बड़ा खतरा है, तो पूरी ताकत लगानी चाहिए और पूरा ध्यान देकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। जो प्रशासन पर प्रश्न लगना चाहिए, जो काम करने वाले हैं आज देशभर में उन पर प्रश्न लग रहा है। अगर आईबी की सूचना थी तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और उस कार्रवाई के तहत जो भी मुनासिब कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो राज्य सरकार और खासतौर पर पुलिस का जो प्रशासन है वो जिम्मेवार है।